Redmi ने हाल ही में 3 स्मार्टफोन लॉन्च करे हैं, जिसमें से 2 स्मार्टफोन आज हमारे पास है। एक है Redmi Note 13, दूसरा है Redmi Note 13 Pro। देखने में दोनों फोन सेम लगते हैं और पिछले कुछ दिनों से दोनों फोन को मैं यूज कर रहा हूं और मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कि कौन सा Note 13 है और कौन सा Note 13 Pro है, और इन दोनों फोन को डिजाइन से तो नहीं पहचाना जा सकता। तो यहां पर Note 13 में 108 मेगापिक्सल लिखा रहता है और Note 13 Pro में 200 मेगापिक्सल लिखा होता है। तो इस तरीके से मैं इन दोनों फोन को इतने दिनों से पहचान रहा था। बाकी इसके अलावा इसकी डिजाइन में एक छोटा सा और मिलेगा। Redmi Note 13 Pro में डुअल स्पीकर देखने को मिलते हैं और Note 13 में सिंगल स्पीकर। अगर दोनों फोन के प्राइस की बात करें तो Redmi Note 13 Pro 26,000 का लॉन्च हुआ है और डिस्काउंट के साथ मुझे ये 24,000 रुपए में मिला है, और Redmi Note 13 18,000 रुपए का लॉन्च हुआ है और डिस्काउंट के साथ मुझे 17,000 रुपए में मिला है। तो अगर एक्चुअल प्राइस की बात करें तो इन दोनों में 8,000 रुपए का अंतर है, और डिस्काउंट के साथ अगर इस फोन के प्राइस को कंपेयर करें तो दोनों में 7,000 रुपए का अंतर है। और जब से ये दोनों फोन लॉन्च हुए हैं इनको ओवर प्राइस कहा जा रहा है। तो देखिए, ओवर प्राइस तो ये फोन है पर इतने ज्यादा भी नहीं है कि 20,000 रुपए के फोन को 30,000 रुपए में लॉन्च किया। नोट 13 प्रो को 2-3 हजार रुपए ओवर प्राइस बोला जा सकता है और नोट 13 को 1-2 हजार रुपए ओवर प्राइस बोला जा सकता है। पर ये दोनों फोन मैं आपको बता दूं, Redmi ने ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करने के लिए रखे हैं और ऑफलाइन मार्केट के लिए जो भी फोन लॉन्च किए जाते हैं उनको थोड़ा ओवर प्राइस रखा जाता है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जो और फोन अवेलेबल है दूसरे ब्रांड के, उनमें आपको इतने बढ़िया स्पेसिफिकेशन इस प्राइस रेंज में देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि फोन ऑनलाइन अवेलेबल है। और दूसरा रीजन ये फोन ओवर प्राइस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि Redmi की जो Note सीरीज है उससे हमारे एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा रहते हैं, और हमेशा Redmi Note सीरीज ने एक कम प्राइस पे बढ़िया परफॉर्मेंस का फोन हमें दिया है। पर इस बार परफॉर्मेंस के साथ Redmi ने और चीजों को भी ध्यान में रखा है, जैसे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका डिस्प्ले, इसका कैमरा, उनमें भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब इन दोनों फोन में हमने ये तो बात कर ली कि इनके प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पर फीचर में क्या डिफरेंस है और हमने जो इतने दिनों तक इन फोन को यूज किया है तो हमें क्या अंतर फील हुआ है, वो सभी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही रियल वाले फोन के कंपैरिजन और रिव्यू आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों फोन की डिजाइन की बात तो हम कर चुके हैं, दोनों सेम है पर इनकी बिल्ड क्वालिटी में आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कि Redmi Note 13 में बैक साइड में प्लास्टिक देखने को मिलेगा, वही Redmi Note 13 Pro में बैक साइड में ग्लास देखने को मिलेगा। अगर फ्रंट की बात करें तो दोनों फोन में बेजल्स काफी कम देखने को मिलेंगे। अगर फ्रंट में डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर नोट प्रो में गोरिल्ला ग्लास वेक्टर्स देखने को मिलेगा, पर नोट 13 में इस टाइप का कोई प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो Redmi Note 13 Pro के साथ जो गोरिल्ला ग्लास वेक्टर्स आता है ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत से ब्रांड अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन में भी इस तरीके का प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। इसके अलावा दोनों फोन की जो फ्रेम है वो प्लास्टिक की देखने को मिलेगी। हालांकि दोनों फोन के साथ एक बढ़िया क्वालिटी का बैक कवर देखने को मिल जाएगा जो दोनों फोन को बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट कर लेगा। साथ ही नए फोन के साथ डिस्प्ले पर स्क्रीन गार्ड लगा हुआ आएगा, तो स्टार्टिंग में आपको तुरंत बाजार जाने की जरूरत नहीं है, आपका कुछ समय तक काम चल जाएगा। इसके अलावा नोट 13 में सिंगल स्पीकर मिलता है, यहाँ पर डबल स्पीकर मिलता है। नोट 13 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है और नोट 13 प्रो में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं जिनकी वजह से फोन के प्राइस में इतना डिफरेंस है। अब दोनों फोन के डिस्प्ले की बात करें तो सबसे पहले तो दोनों फोन की बेजल्स आप देखिए बहुत कम है। दोनों फोन फ्रंट से काफी प्रीमियम लगते हैं, कई ब्रांड के प्रीमियम फोन में भी इतने कम बेजल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही दोनों फोन एमोलेड डिस्प्ले हैं, तो दोनों फोन पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा। दोनों फोन 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, पर नोट 13 में यूट्यूब पर 4K वीडियो आप प्ले नहीं कर पाओगे, यहाँ पर नोट 13 में HDR का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, और ये दोनों चीजें नोट 13 प्रो सपोर्ट करता है। बाकी फोन के डिस्प्ले में और फोन को यूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो नोट 13 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है और यहाँ नोट 13 प्रो में 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, यानी कि डिफरेंस काफी बड़ा हो जाता है। पर अगर आउटडोर की बात करें या प्रैक्टिकली यूज की बात करें तो दोनों डिस्प्ले काफी ब्राइट है, आउटडोर में दोनों फोन को यूज करने में कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन में MIUI 14 प्री इंस्टॉल मिलेगा जो कि Android 13 पर बेस्ड है, और ये इस फोन का एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि 2024 चल रहा है और 2023 में ही Android 14 आ चुका था और ये नए फोन Android 13 पर लॉन्च हो रहे हैं, जो कि इसका ड्रॉबैक है। अब Redmi जरूर बोलता है कि इसमें Android 14 यानी कि HyperOS का अपडेट बहुत जल्द मिल जाएगा, पर यहाँ पर जो कुल मेजर OS अपडेट दिए जाते हैं उसमें एक मेजर OS अपडेट इस वजह से कम हो जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी एक पुराने वर्जन पर लॉन्च हुआ है। अगर दोनों फोन के सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करें तो Redmi Note 13 में 2 मेजर OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे, वहीं Redmi Note 13 Pro में 3 मेजर OS अपडेट और 4 साल तक के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे। अब बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की, और परफॉर्मेंस के लिए हमें बात करना पड़ेगा
रहेगा इनके चिपसेट की। तो दोनों फोन में जो चिपसेट आते हैं और इन दोनों फोन का जो प्राइस है, उस हिसाब से वो चिपसेट इतने पावरफुल नहीं है। और Redmi की Note सीरीज में हमेशा हमें पावरफुल चिपसेट देखने को मिलते हैं। अगर चिपसेट की बात की जाए तो Redmi Note 13 में Dimensity का 6080 चिपसेट देखने को मिलेगा, वहीं Redmi Note 13 Pro में Snapdragon 7S Gen 2 नाम का चिपसेट देखने को मिलेगा। अगर इनके AnTuTu स्कोर की बात करें तो Note 13 का AnTuTu स्कोर लगभग 4.5 लाख के आसपास आता है, वहीं Note 13 Pro का AnTuTu स्कोर 5.5 लाख से थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये फोन जिस प्राइस पॉइंट पर आते हैं, वहां पर कुछ ऐसे फोन और मिल जाएंगे जिनमें आपको इनसे बेहतर परफॉर्मेंस का चिपसेट देखने को मिले। अगर प्रैक्टिकली दोनों फोन की परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं जो नॉर्मल डे टू डे टास्क जैसे नॉर्मल फोन यूज करना, सोशल मीडिया यूज करना या मूवी वगैरह देखना, यूट्यूब पर वीडियो देखना या कॉलिंग वगैरह करना, इस तरीके के काम करते हैं, तो दोनों फोन में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और थोड़ी बहुत गेम जैसे BGMI जैसे गेम भी आप इन फोन में प्ले करते हैं तो ऐसा कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन बढ़िया है। पर जब आती है हाई लेवल परफॉर्मेंस की बात, तो हम बात करते हैं गेमिंग की। और गेमिंग के लिए हम बात करेंगे BGMI की, क्योंकि फिलहाल की कंडीशन में पॉपुलर गेम वही है। तो दोनों फोन BGMI को आराम से चला सकते हैं। दोनों फोन में आपको ऐसा कोई खास इशू तो देखने को नहीं मिलेगा। पर अगर ग्राफिक्स की बात करें, फ्रेम रेट की बात करें, तो Note 13 में 40fps पर आप BGMI प्ले कर पाएंगे और Note 13 Pro में 60fps पर आप गेम खेल पाएंगे। अगर प्रैक्टिकली और गेम के दौरान FPS की बात करें, तो यहां पर 30 से 35fps नॉर्मली देखने को मिलता है और कहीं कहीं फ्रेम ड्रॉप इससे भी नीचे आ जाता है। और वहीं Note 13 Pro के FPS की बात करें, तो 55 के आसपास FPS देखने को मिले और फ्रेम ड्रॉप इसमें भी कई बार देखने को मिलता है। और अगर दोनों फोन में लंबे समय तक गेमिंग करते हैं, हमने अभी इस फोन में लगभग 1-1 घंटे तक की गेमिंग करके देखी है, तो ऐसा कोई खास इशू तो देखने को नहीं मिला है। जो फोन सपोर्ट करता है वो बढ़िया तरीके से इसमें काम करता है। और अगर हीटिंग इशू की बात करें, तो नॉर्मल यूज में तो हीट बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। गेमिंग वगैरह अगर आप लंबे समय तक करते हैं, 2-3 घंटे, तो जरूर थोड़ा बहुत हीटिंग इशू देखने को मिल सकता है, जो कि नॉर्मल है। लंबे समय तक आप अगर किसी भी फोन में गेमिंग करते हो तो थोड़ा बहुत हीटिंग इशू तो देखने को मिलेगा ही। और अगर लैगिंग की बात करें, तो फोन लैग तो बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, Redmi Note 13 में आपको एनिमेशन की कमी देखने को मिलेगी। इसमें एप्लीकेशन ओपन बंद करने में आपको एनिमेशन बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे और Note 13 Pro में बढ़िया एनिमेशन देखने को मिलेंगे। तो एनिमेशन के मामले में ये फोन पीछे रह जाता है। सिर्फ Note 13 Pro से ही नहीं, बल्कि इस प्राइस रेंज में और भी फोन आते हैं, उनसे भी ये पीछे रह जाता है, क्योंकि Redmi Note 13 भी कोई सस्ता फोन नहीं है। 18,000 रुपए का फोन है, तो उसमें ये सब दिया जाना था। इसके अलावा दोनों फोन में बिल्कुल बराबर ब्लोटवेयर देखने को मिलेंगे और ब्लोटवेयर की संख्या कुछ ज्यादा ही है, पर अच्छी बात यह कि आप सभी को अनइंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा दोनों फोन में Xiaomi का ऐप स्टोर गेट ऐप देखने को मिलेगा, जिसको आप जैसे ही ओपन करेंगे, आपको दोनों फोन में 17 एप्लीकेशन इंस्टॉल करने को बोला जाएगा। और इसको Xiaomi एसेंशियल ऐप बोलता है, जिसमें बहुत से घटिया टाइप के एप्लीकेशन भी शामिल होते हैं। और नॉर्मल यूजर जब भी गेट ऐप ओपन करेगा, वो 17 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ही लेगा, क्योंकि इन्होंने स्किप की बटन को बहुत ऊपर छुपा कर रखा है कि नॉर्मल इंसान की वहां नजर ही नहीं जाएगी। इसके बाद बहुत से लोगों का सवाल होता है कि बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग होगी या नहीं, तो Xiaomi के सभी फोन में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्ड कर सको। अब बात करते हैं दोनों फोन के कैमरे की। तो सबसे पहले हम इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों फोन में पीछे की साइड आपको 3 कैमरे देखने को मिलते हैं। Redmi Note 13 में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और Redmi Note 13 Pro में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। इसके अलावा दोनों फोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाएगा और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब बात करें फोटो क्वालिटी की, तो दोनों फोन के कैमरे मुझे काफी अच्छे लगे। जो फोटो क्वालिटी निकल कर आ रही है वो भी डिसेंट है। मैं दोनों फोन के फोटो को बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, पर जिस प्राइस पॉइंट पर ये आते हैं, इन फोटो को हम बढ़िया बोल सकते हैं। अगर दोनों फोन की फोटो क्वालिटी में डिफरेंस की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मली देखेंगे, तो यहाँ पर Redmi Note 13 Pro की अगर आप फोटो देखोगे, तो वो देखने में काफी बढ़िया लगेगी, क्योंकि और नेचुरल कलर आपको देने की कोशिश करता है। अगर लाइटिंग बढ़िया है या आउटडोर में आप फोटो क्लिक कर रहे हो, तो आपको इन दोनों फोन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बाकी दोनों फोन से आप हाई रेजोल्यूशन की फोटो क्लिक कर सकते हैं। Redmi Note 13 से 108 मेगापिक्सल की फोटो क्लिक कर सकते हैं और Redmi Note 13 Pro से 200 मेगापिक्सल की फोटो क्लिक कर सकते हैं। और ये जो मेगापिक्सल इनमें दिए गए हैं, ये वर्क भी करता है। अगर आप किसी फोटो को डिटेल के साथ क्लिक करना चाहते हैं या फोटो क्लिक करने के बाद अगर उसमें जूम करके देखते हैं, तो बहुत बढ़िया क्वालिटी आपको इनसे देखने को मिलने वाली है। बाकी अगर आप नॉर्मल फोटो क्लिक करते हैं, तो वो 108 मेगापिक्सल और 200 मेगापिक्सल पर क्लिक नहीं होती है, तो उनमें इतनी डिटेल देखने को नहीं मिलेगी। बाकी दोनों फोन से आप अल्ट्रा वाइड फोटो भी क्लिक कर सकते हो। दोनों फोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। अगर फोटो की क्वालिटी की बात करें, तो दोनों फोन की फोटो क्वालिटी मुझे लगभग बराबर लगी है। इनमें कोई ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। बाकी तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है, तो नॉर्मल सी फोटो इससे क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा दोनों फोन से वीडियोग्राफी की बात करें, तो यहाँ पर आप हाईएस्ट 1080 पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, पर यहाँ पर आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें हाईएस्ट सेटिंग से 30fps की मिलेगी, पर इस फोन से आप 60fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको 4K का सपोर्ट नहीं मिलेगा। 1080 पर 30fps पर रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और दोनों फोन से अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, तो जैसा रिजल्ट फोटो में देखने को मिल रहा था, उसी टाइप का मिलता जुलता रिजल्ट वीडियो से भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फ्रंट में दोनों फोन में सेल्फी 16 मेगापिक्सल की
मिलती है और इससे हम नॉर्मली फोटो क्लिक कर सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी की सेल्फी आप इन दोनों फोन से क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा फ्रंट से आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, पर फ्रंट में दोनों फोन में आपको 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है। नोट 13 में 1080 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी और यहाँ पर 1080 60fps तक का सपोर्ट मिल जाएगा। अब फोन की बैटरी की बात करें तो नोट 13 में 5000mAh की बैटरी मिलती है, साथ में 33W का फास्ट चार्जर मिलता है। तो यहाँ पर 5100mAh की बैटरी मिलती है, साथ में 67W का फास्ट चार्जर मिलता है। तो यहाँ पर जो 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा मुझे कम लग रहा है, क्योंकि इस प्राइस में दूसरे ब्रांड के फोन काफी अच्छा चार्जर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको चार्जिंग फास्ट चाहिए होती है तो ये फोन थोड़ा पीछे रह जाएगा, पर इतना फर्क भी नहीं पड़ता है। 1 घंटे में ये फोन भी चार्ज हो जाएगा और ये फोन लगभग 40 से 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। तो दोनों फोन के बैटरी बैकअप की बात करें तो देखिए, अभी इन फोन को ज्यादा यूज करते तो नहीं हुआ है, पर जितना भी इन फोन को यूज किया है उसमें हमें कहीं भी ज्यादा बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिला है। जैसे कई बार होता है कि कुछ गेमिंग वगैरह करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं या वीडियोग्राफी करते हैं तो एकदम से बैटरी ड्रेन काफी ज्यादा हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम इन दोनों फोन में देखने को नहीं मिली है। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो आराम से दोनों फोन की बैटरी एक दिन चल जाएगी, और अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो या फोटोग्राफी ज्यादा करते हो तो सीधी सी बात है बैटरी ड्रेन थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये आपके यूज पर डिपेंड करता है, बाकी बैटरी में ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको और भी छोटे छोटे फीचर दोनों फोन में देखने को मिल जाएंगे जो ज्यादातर बिल्कुल सेम है। अगर आप इन फोन के डिटेल रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो तो दोनों चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर आप इन दोनों फोन को लेकर कंफ्यूज है कि कौन सा फोन लेना चाहिए, तो देखिए ये दोनों फोन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सबसे पहली बात है ये आपके बजट पर डिपेंड करता है। अगर आप 20,000 रुपए के आसपास कोई फोन ढूंढ रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन में ये फोन आता है, और अगर आप 25,000 रुपए के आसपास कोई फोन ढूंढ रहे हैं तो ऑप्शन में ये फोन आता है। तो दोनों का प्राइस सेम नहीं है तो उनका कंपैरिजन भी इतना बनता नहीं है। बाकी ये दोनों फोन को हम थोड़ा ओवर प्राइस बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करते हैं और फोन अभी अभी लॉन्च हुए हैं तो स्टार्टिंग में तो प्राइस थोड़ा हाई रहता है, आने वाले टाइम में प्राइस ड्रॉप इन फोन में देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली अगर आप 20,000 या 25,000 रुपए के आसपास कोई फोन देख रहे हैं तो इन फोन के साथ जा सकते हैं, इनके साथ कोई ऐसा इशू तो नहीं है। पर मैं आपको एक टिप्स दूंगा, तो इस प्राइस रेंज में जिन फोन को लॉन्च हुए लगभग 6 महीने या 1 साल हो चुका है, अगर आप उन फोन की तरफ जाएंगे तो उनपे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, और जो फीचर आपको इन फोन में मिल रहे हैं वही फीचर आपको इनसे 2-3 हजार रुपए कम में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा इन फोनों के साथ नहीं, आप जब किसी भी ब्रांड का फोन लेने का सोचते हैं तो पुराना फोन लेंगे तो आपको एक बढ़िया डील देखने को मिल सकती है। इन दोनों फोन को लेकर या कोई दूसरे फोन को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में कर सकते हो। बाकी ऐसे वीडियो अगर आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।